मम्मी ये आपके पानी की जाम मान रहा है। देखो भाई पानी बड़ा जो नदी में, अभी मेरी एक घड़ी खुल रही है, देखो अब दिख रही है फ्लिकर। बुरा लग रहा है भाई, तेरा दिख ही रहा होगा तुम्हें मेरा, कैसे खराब हो गया यार पूरा। तो स्वागत है आप सबका मेरे नए ब्लॉग में। आज भैया फिर से मैं इसी टाइम पे फ्री होता हूँ, देख सकते हो आप टाइम, तो मैं इसी टाइम पे स्टार्ट करता हूँ। सुबह का यार मैं इसलिए नहीं दिखाता क्योंकि आना जाना यही लगा रहता है, बट अगर फिर भी सुबह सुबह कुछ होता है किसी दिन तो मैं जरूर बताऊंगा तुम लोगों को। अभी मैं देख रहा था भैया ये वाली मूवी, देखी हो तो, वैसे देखी होगी, नहीं देखी तो देखना चाहिए, अच्छी मूवी है द रियल तेवर। मैंने कई बार देख ली, पता नहीं मुझे ये आदत है कि मैं ना पुरानी मूवी ज़्यादा देखता हूँ, मतलब जो देखी हुई है ना उन पे ज़्यादा वापस देखता रहता हूँ, जो अच्छा लगता है अच्छा लगता है अच्छा लगता है। जैसे धोनी मैंने कम से कम 120 से 130 बार देख रखी है पूरी, तो यही देख रहा हूँ मैं। और साथ में अभी मैं खा रहा हूँ खाना, उसके बाद में ब्लॉग एडिट करना है। आज मेरे हमारे बनाए भैया चमले की सब्जी, दही भी रखा है हमारे, दही भी अभी मम्मी से मंगवा लूँगा मैं, पता नहीं मतलब मेरे को है ना बस ये एक काम नहीं था मेरे से, बाकी मैं सारे काम कर सकता हूँ, मैं खुद का खाना सर्व नहीं कर पाता, तो जहाँ तक हो सके ना दूसरा ही रख दे खाना, बस सब्जी रोटी वगैरह सब, बाकी मेरे को लेने वेने के ये पता नहीं क्यों होता ही नहीं। तो चलो मैं ये खाना ख़त्म कर लेता हूँ, फिर इसके बाद दिन में जो भी करूँगा मैं वो बताता हूँ तुम लोग। ये काम चल रहा है, इतनी बन गई भाई ये दीवार, देखो इतना बड़ा गेप आ गया था इसमें। अब मैंने पहन लिया भाई लक्की ब्याह का, 6 साल पुराना रेनकोट, लक्की ब्याह पहले बहुत मोटे थे तो ये मुझे नहीं आ रहा, तो मुझे कहीं जाना है अर्जेंट में, और बारिश आ रही थी अभी तो फिर भी थोड़ी नहीं हो गई, पर पहले आ रही थी तो मुझे वहाँ जाना था, तो मैंने ये पहन लिया। आई एम लुकिंग बजूगा, बात तो सही है, मे बी मैं बजूगा लग रहा होगा। आई कैन सी माई सेल्फ इन द मिरर। चलो चलते हैं। तो एक्चुअली क्या है, मैं कॉलेज आया था क्योंकि वो कोमल दीदी कल वाली रिसिप्ट लेनी थी, अब वापस अपन चलते हैं। नदी में जो पानी आ गया ना भाई कसम से, मतलब एकदम से, क्योंकि यहाँ तो इतनी बारिश नहीं हुई है बट वहाँ पे जरूर एमपी में बारिश हुई होगी ना, तो झालावाड़ साइड उधर से वो पानी कैस का, हमारी जो है नदी उजाड़, इसका ड्रेनेज सिस्टम उधर से ही है झालावाड़ साइड से, तो उधर कानपुर झालावाड़ वगैरह तरफ बारिश हुई होगी ना, तो उधर से पानी ले गई, खतरनाक भी बताता हूँ तुम लोगों को देखना। देखो भाई पानी बड़ा जो नदी में कितना सारा हो गया, मतलब बहुत बहाव हो गया यार एकदम से, इसमें फ्लो ही लगने लग गया पूरा, बहुत पानी हो गया। देखो पहले तो इधर आ ही नहीं रहा था इस छोटी वाली पुलिया पे। चलो मैं घर पे चलता हूँ, बारिश रुक गई फिर भी रेनकोट पहन रखा है क्योंकि खोल तो सकता नहीं रास्ते में, तो क्या ही है, अब घर पे चलता हूँ, घर पे मिलता हूँ तुम्हें, काम भी है बहुत सारा वो भी करना है। तो भाई अब मैं आ गया वास्कना के, अभी भी बारिश हो रही है कंटिन्यूस यार, मतलब आज मस्त बारिश हुई, मजे दागे कर गई। एप्पल वाला भी आज बारिश बता रहा है, मतलब एप्पल का जो वेदर है ना इंडिया में वो ढंग से काम नहीं करता, और जैसे सांगोद जैसे शहर है, मतलब सांगोद जैसे कस्बों में बिल्कुल भी काम नहीं करता। एक दिन तो मेरे घर के बाहर बारिश हो रही थी, ढंग से ही बारिश हो रही थी, और भाई बता रहा था कि कुछ भी बारिश नहीं हो रही और ना ही 24 घंटों तक बारिश है। अबे साले आज हमारे खाने में बनाया है नॉर्मल दाल और है एक भरवा भिंडी, यही खाना है भैया अभी तो। इसके बाद में मेरे को है ना आज नई ड्यूटी मिली है, मैं खाना खा के बताता हूँ तुम्हें कॉलेज की तरफ से, इंटरेस्टिंग काम है मजे आने वाले उसमें। आज मैं वापस स्कूल से आ गया, मैं ऐसे बैठा था तो फिर मैंने सोच ही लिया कि क्यों यार ये चश्मा भी थोड़ा सा उस दिन टेढ़ा हो गया था, कोटा गया था जब बैठ गया था मैं इसके ऊपर, इसके भी सेल डाउन हो गए थे, तो मैंने सोचा कि फिर इसको सेल भी डला ही लाते हैं क्योंकि मेरे को आदत है पहनने की। तो ये घड़ी मेरे पास 8 सालों से है, 8 या 9 सालों से मेरे पास है घड़ी। आज रुद्र स्कूल नहीं गया तो अंदर खाना ही खा रहा है, मेरी इच्छा नहीं हो रही क्योंकि अरबी बनाई है बट खाऊंगा, खाना तो खाएंगे यार, खाना खाए बिना कैसे काम चलेगा, तो चलो चलते हैं। अभी मेरी एक घड़ी खुल रही है, देखो ये मुरारी अंकल, इनको मैं बचपन से जानता हूँ और मैं जब छोटा था ये मुझे तब से जानते हैं। ये खुल गया इसका देखो, हाँ इतना देखना पड़ता है अंदर, बिना देखे कैसे काम करेगा। पहले वाला जो सेल था ना इसका वो भी इन्होंने डाला था, मतलब जब से ये घड़ी मेरे पास आई है ना तब से इसका एक ही बार सेल डला है, और मेरे पास 8-9 साल हो गए इस घड़ी को, देख लो चलाने के बाद में 3-4 साल बाद ख़त्म हो गए थे, फिर डलाया, फिर अब 3-4 साल चल गई सेल, इसके इससे तो ये वाला सेल निकला था 90 रुपये का सेल डलेगा भाई इसमें। कर लेते हैं अपन पूरा काम फ्री, फिर अपन यहाँ से भी निकलेंगे घर के लिए, फिर खाएंगे खाना।
सही तो करा ली बट यार ये फ्लिकर कर रही है यार, वो भी मेरी बात को नहीं समझे। मतलब क्या बोलूँ कि मेरे कंट्रोल में नहीं, वैसे भी डिजिटल वॉच है, मैंने दोबारा खुलवा ली थी, बुरा लग रहा है भाई। फैमिली की तरह ये चीज़ें तो यार, कम से कम 8-9 साल हो गए मेरे पास में, फ्लिकर कर रही है। बट ये सही हो जाए प्रॉब्लम तो जितनी जल्दी उतना अच्छा है, बाकी क्योंकि वो भी कुछ भी नहीं कर सकते, उन्होंने सेल डाला है बस। इसमें चेहरा दिख ही रहा होगा तुम्हें मेरा, कैसे नखरा हो गया यार पूरा। ये देखो भाई फ्लिकर कर रही है, मतलब दिख रहा है, अब दिख रही है फ्लिकर। कम लाइट में नहीं दिख रही फ्लिकर, जैसे ब्राइटनेस में जाओगे फ्लिकर करती हुई दिख जाएगी। तेरे को जाना चाहिए था ना, कितनी छुट्टियां कर ली थे ना सबके इस महीने में, तेरी कितनी छुट्टी हो गई, अभी तो जुलाई चल रहा है। नाक साफ कर तेरी नाक ची। ये दुद्र मेरे पास आया भाई, नाम लिखवाने इसकी नोटबुक्स पे। क्या नाम है तेरा, नाम बता। दूज प्रताप सिंह। दूज नहीं है, दूज 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 नहीं, दूज दूज। अभी खुद को ही बोलना नहीं आता, खुद का नाम सीख जाएगा। और दूज प्रताप सिंह सिसोदिया, ठीक है बेटा, इस पे ग्लिटर से लिखवाए में आएगा। तो इन्होंने बोला बारिश रुक जान दे, अभी फिर लिख दूंगा ग्लिटर पेन से इस पे। फंस गया डिब्बा का, वो तो मेरे को याद नहीं है। लो जेल पेन क्यों लग रहा है मेरे को, तेरे को कैसे पता है जेल पेन है? हाँ ऐसे लेके आया था क्या तू, तुक्का मारा है ना, तुक्का ही मारा था ना, ऐसे ही उठा के लेके आया है, तेरे को पता थोड़ी था जेल पेन है। जेल पेन है शायद ये डोरिटो का, देखते हैं हो क्या गया। आए ना कहाँ गया, फिर ना आएगा सर, बनियान ऊपर कर दे तेरी एक बार। भाई नॉस्टैल्जिया नॉस्टैल्जिया, व्लॉग एडिट नहीं करना होता ना अभी, और मेरे पास 2-3 काम और है जो मैंने तुम्हें बताया नहीं, अभी कल भी बताने को बोला था और बताया नहीं। वाकई में नहीं होते ना तो मैं इसके साथ ना नहीं चला जाता, जिस हिसाब से बारिश आ रही है। बट काम है यार, मम्मी ये आपके पानी की जाम मान रहा है। मतलब यार सीन ये ऐसा है, मैं तुम्हें बताता हूँ, मतलब ये सारा काम करने के चक्कर में मेरे को पता ही नहीं कि मेरे को ब्लॉग भी बनाना है। काम मेरा ये है कि अब हमारे परसों की रोज क्या है, फेयरवेल है 29 तारीख को, और मेरे को है ना मेरे जूनियर्स ने जो तो काम उनका था पर मेरे को दे दिया कि वीडियो बनाओ आपकी, मतलब पूरे 2 साल की जो मेमोरीज वगैरह है, तो उसके लिए लगाऊँ। मैं भी जो पोइट्री बोलूँगा वो रेडी करनी है, अब ये भी करना है, और इसके अलावा फिर अपना जो ब्लॉग है वो आज जो ब्लॉग एडिट कर रहा हूँ ना उस ब्लॉग, वैसे ब्लॉग तो मैं एडिट करना चाहता हूँ भाई। आज जो तुमने रामेश्वरम वाला ब्लॉग देखा होगा वो एडिट हो रहा है, पर वो आधा ही है, तो आई थिंक वो शायद कल ही पोस्ट होएगा। क्या करूँ, मैनेज कर लो यार थोड़ा सा, मेरे भी तो लाइफ में डक 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 आ ही रहा है ऐसा कुछ, कोई नहीं। पर अब उस बात को छोड़ो, पर अपने को पहले ये काम करना है। वीडियो में तुम्हें जरूर दिखाऊंगा कॉलेज में, क्योंकि 29 तारीख का भी तो ब्लॉग आएगा, तो वो भी देखोगे तुम लोग। तो भाई मैं पढ़ा के फ्री हो गया, और तुम्हें एक चीज़ बताऊँ, मतलब इतना ज़्यादा पानी आ चुका है ना नदी में, इतना ज़्यादा पानी आ चुका है जिसकी हद नहीं है। मतलब है ना वहाँ से जब मैं क्रॉस कर रहा था ना, तभी मैं क्या जल्दी में था, इस वजह से बताया नहीं मैंने, और बारिश भी आ रही थी तो मैं रुकना बिल्कुल भी प्रीफर नहीं कर रहा था, मेरे को कहीं और भी पढ़ाने जाना था। अभी नहीं, मेरे को डर लग रहा है वो पानी को देख के भाई साहब, वो जिस तरीके से बह रहा है ना, मतलब यूँ मान लो ज़्यादा से ज़्यादा वो पुलिया के 8 या 9 फीट नीचे, 8-9 फीट भी ज़्यादा बता दिया मैंने तुम्हें, जस्ट ऐसा डर लग रहा है क्रॉस करते हुए। तो अब आ गया मैं घर पे, अब घर पे आ गया मैं वहाँ से भाई पड़ा पुरु के, और आज हमारे बनाए लाइट वाइट जा रही है अभी, क्योंकि बारिश आज बहुत भयंकर हुई है शाम में, और हमारे आज बनाए आलू के पराठे, तो मैं इनको खा रहा हूँ, मतलब अभी तो खाया है नहीं, अब खाने बैठूंगा। और इंडिया का मैच आ रहा है आज, सूर्य ने मारा है ना उधर, मारा होगा लेक के ऊपर वाला, चलो खाना खा लेता हूँ मैं। हम तो छोटे लोग हैं, हम तो सिर्फ वीडियो ही बना सकते हैं।